नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिससे कई लोगों का हिंदुस्तान में, वो खास करके वो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का जो है वो कलेजा आज फटा होगा। वजह क्या है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आजकल कश्मीर को लेकर के मानवाधिकार, तो वहाँ फासिज्म है, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल जेल खाना कैद खाना बना दिया गया है पूरे कश्मीर को, इस तरह की बातें करता आ रहा है, झूठी अफवाहें फैलाता आ रहा है। हिंदुस्तान में भी एक गैंग है जो आज से नहीं, कई दिनों से और कई सालों से इस बात को समझाता रहता है, बताता रहता है देश में लोगों को कि जो पाकिस्तान में जो मीडिया है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा स्वतंत्र है, वहाँ के डिबेट्स जो है वो ज़्यादा जो है वहाँ पे कोई सरकार के का पिछलग्गू नहीं बनता है, और हिंदुस्तान में जो मीडिया जो है वो सरकार की पिछलग्गू बन गई है, ये थ्योरी ये लोग देते हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्नलिज्म और जर्नलिस्टों के, पत्रकारों के फ्रीडम को वॉच करती है, मॉनिटर करती है। वैसे ही संगठन का नाम है CPJ, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। उसके एक जो एशिया के जो हेड हैं उनका नाम है स्टीवन बटलर, वो पहुंचे पाकिस्तान। तो जैसे ही वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें कुछ सैनिकों ने घेर लिया, कहा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम के लिए जो संगठन है उसका मैं एशिया का हेड हूँ। बोले भाई आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, आप वापस जाएं। उनको एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया, उठा करके उनको एक फ्लाइट में डाल दिया गया जो दोहा जा रहा था, वहाँ से वो दोहा से फिर उनको जो है अमेरिका भेज दिया गया। अब ये जो इतने दिनों से ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये जो वहाँ पे जो लेफ्ट वाले सब जो बैठे हुए हैं, जो इतने दिनों से पाकिस्तान की आरती उतार रहे थे, अब उनके मुंह पे जो है कालिख पूत गई। अब वहाँ पे जो है वो छोटी छोटी बातों में लिख रहे हैं कि वहाँ पे प्रेस फ्रीडम को कर्व किया जा रहा है। दरअसल जो लोग, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पूरी दुनिया में हो, चाहे वो BBC हो, अल जजीरा हो, ये जिहादी पब्लिकेशंस, चाहे फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, इन लोगों को ये खबर नहीं है कि पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की स्थिति क्या है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में बेसिकली जो वहाँ की ISI है, जो वहाँ पे जो आर्मी है, वो सीधे तौर पे प्रेस को कंट्रोल करती है। बिना उनकी इजाज़त के आप कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, बहस नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जो जब ये प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, वो हाउडी मोदी का जो ह्यूस्टन में जो कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान सारे जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पैमरा, जिसके जरिए आर्मी जो है इन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करती है, वहाँ से ये साफ साफ हिदायत दे दी गई कि कोई भी TV चैनल हाउडी मोदी कार्यक्रम का एक भी वीडियो नहीं चलाएगा। और जब वो तस्वीरें आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप हाथ पे हाथ लेकर के वो स्टेडियम के चारों ओर घूम रहे हैं, तब तो और सेकंड वार्निंग आई तो कि कुछ और बातचीत करो तो करो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और US रिलेशन के बारे में, लेकिन उस तस्वीर को तो बिल्कुल मत दिखाना। ये कैसे मालूम चला? ये कामरान एक न्यूज़ एंकर है, काफ़ी पॉपुलर शो करते हैं वहाँ पे, उसमें गलती से वो चल गया। तो जैसे ही चला और प्रोग्राम की शुरुआत हुई, तो पहला जो पैकेज चला उसमें वो तस्वीरें थी। तो जो पहला गेस्ट से उसने सवाल पूछा कामरान ने, तो पहला गेस्ट यही बात कहा कि भाई आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, बाकी जगह तो ऑर्डर चला गया है, आप कैसे दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद वो तस्वीरें दिखाना जो है बिल्कुल बंद। सडनली दे रियलाइज्ड कि भाई उनसे गलती हो गई है, कहीं फिर से जो है बैन वन ना लग जाए। एक वहाँ पे बहुत बड़े पत्रकार हैं निजम सेट्ठी साहब, जो बिल्कुल खरी खरी बातें करते हैं और अच्छे एनालिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। वो एक शो किया करते थे, उनके शो के ऊपर भी जो है बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कश्मीर को लेकर के कुछ ऐसी बात कही कि भाई ये जो इमरान खान की सरकार है वो अब इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, आप युद्ध कर सकते नहीं, उसके लिए आपके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज नहीं है जो वॉर के लिए आप खर्च कर सकें, और डिप्लोमेसी में आप हिंदुस्तान को जो हरा नहीं सकते।
तो इस तरह की बातें उन्होंने की तो उनके प्रोग्राम को ही बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया कि भाई वो बैन लगा दिया गया, भाई आप अब प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये मसला जो है वहाँ पे हुआ। अभी निजम सेट्टी साहब आप यूट्यूब पे जाएं तो वो टॉक टू निजम सेट्टी नाम का एक यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं। एक दो दिन के अंदर में, दो दिन तीन दिन पे वो एक वीडियो बना रहे हैं, और बाकी उनके टीवी प्रोग्राम्स को जो बैन कर दिया गया। एक और बहुत पॉपुलर, इंडिया में बहुत सारे लोग देखते हैं, वो रौफ क्लारसा साहब हैं। वो पहले तो ARY में प्रोग्राम करते थे, फिर कुछ उनके साथ मालिक के साथ कुछ दिक्कतें हुई, तो उसके बाद वो वहाँ का एक चैनल है 92, तो 92 में वो प्रोग्राम करते थे। और ये इमरान खान की सरकार और आर्मी वालों ने, चूँकि वो सरकार के खिलाफ बहुत खुल के बात करते हैं, तो उनके प्रोग्राम को बैन लगा दिया गया। बैन इस तरह से लगा दिया गया कि भाई आप 92 चैनल वालों को जो है आपने प्रेशराइज किया कि इनको बाहर निकालिए। और वो इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें जो सरकार और आर्मी के बीच होती है मीटिंग्स में, उस बात का खुलासा वो पब्लिकली कर दिया करते थे, तो वो डेंजरस पत्रकार हो गए, तो उनको बैन कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन के बाद एक नया चैनल वहां पे आया, उसको कहते हैं हम टीवी, हम न्यूज़। तो ये जब हम न्यूज़ में फिर वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, चार दिन पाँच दिन वो चला होगा मुश्किल से, एक सप्ताह के करीब, फिर से उनको जो है बैन लगा दिया गया। वो भी अब यूट्यूब पे अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से। और बीच में एक और बहुत बड़ी खबर आई थी कि वहाँ के जो एक GOTV में वो कैपिटल टॉक करते हैं हमीद मीर साहब, हिंदुस्तान में सब लोग उनको जानते हैं, उनके प्रोग्राम में उन्होंने जो है फजलुर रहमान का उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू बीच में ही रोक देना पड़ा, मना कर दिया गया कि भाई आप नहीं दिखा सकते। वो क्यों? क्योंकि वो ब्लैकआउट है वहाँ पे। अभी इमरान खान के खिलाफ जो है वहाँ पे बहुत जो है वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है, 27 तारीख को है वहाँ पे इस्लामाबाद में, कई लाखों लोग जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वो इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, मैंने वैसा ही है जैसे हिंदुस्तान में अन्ना का आंदोलन हुआ था। लेकिन मीडिया को ये हिदायत दे दी गई है कि फजलुर रहमान का इंटरव्यू कोई नहीं चलाएगा, तो आप उसको चला नहीं सकते, कश्मीर के ऊपर आप सच बात कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी हाल में जब चाइनीज प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आए तो भी हिदायत दे दी गई कि कोई भी चैनल जो है वहाँ का फुटेज नहीं चलाएगा, उस पर बहस भी नहीं करेगा, उस पर डिबेट भी नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा जो है, जो शी जिनपिंग का जो विजिट रहा हिंदुस्तान में, उस पर जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। तो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने के लिए ये पूरा शी जिनपिंग का जो इंडिया में जो विजिट हुआ वो ब्लैकआउट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि लोग फिर पूछते कि भाई आप दो दिन पहले शी जिनपिंग के इंडियन विजिट से पहले वो चाइना में थे, और चाइना में वो पूरी तरह से घुटने टेक दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जो चाइनीज कंपनियाँ काम कर रही है ग्वादर में, उनको अगले 23 साल तक के लिए जितनी भी चाइनीज कंपनी काम कर रही है CPEC के प्रोजेक्ट में ग्वादर में, वहाँ अगले 23 साल तक के लिए उनको टैक्स नहीं देना है, इस तरह का कानून उन्होंने पास कर दिया। वहाँ के व्यापारी नाराज हैं कि भाई एक तो हमारे हमसे आप खून चूस चूस करके पैसे ले रहे हो, और चाइनीज को जो आपने फ्री कर दिया है। तो ये मसला जो है वो चलता रहा। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये सब की जो शुरुआत हुई है वो इस तरह से हुई कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टी, उसने इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहना शुरू कर दिया। उनका कहना ये है कि जो पाकिस्तान में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में की जो काउंटिंग हुई थी वो आर्मी के जरिए हुई थी, आर्मी ने उसमें बहुत सारी धांधली की, बहुत सारी गड़बड़ियाँ की, और इमरान खान को चुनाव के जरिए इलेक्ट नहीं किया गया बल्कि आर्मी ने सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करके वहाँ पे पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ इमरान खान को चढ़ाना स्टार्ट की। तो टेलीविजन चैनल में भी बहस में भी ये बात आने लग गई। तो बिल्कुल ये बात जो है पाकिस्तान की आर्मी ने टीवी चैनलों को कहा कि खबरदार, किसी ने वहाँ इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा तो, और जो कहेगा उसका चैनल को बंद कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति है। और हिंदुस्तान में ये जो पाकिस्तान परस्त ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो खान मार्केट गैंग जो है, वो हमेशा इस बात को ही कहता आया कि हिंदुस्तान की मीडिया तो बिकी हुई है और पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल फ्री है। मैं पिछले 5-7 दिनों से मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई भी खबर चाइना से रिलेटेड मिल जाए या कुछ मिल जाए, कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है।
और अब जब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेड्स पाकिस्तान पहुंच रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट से ही रुखसत कर दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि भाई अगर आप पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग आपने किया, और वो क्यों, वो इसलिए कि ये जो पाकिस्तान जो है वो वैसे भी बड़ा ही डेंजरस प्लेस है इंटरनेशनल जर्नलिस्टों के लिए। कई ऐसी कहानियां हैं जहां किडनैपिंग से लेकर के सारा चीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो कुछ लोग अभी जो FATF का मसला आया तो कुछ दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो FATF में जो बातें कही गई कि किस तरीके से पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है, सरकार और आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रही है, उनके लिए सहूलियत देती है, तो उसको स्टडी करने के लिए ये लोग आ रहे थे और इसलिए इन लोगों के ऊपर बैन लगा दिया गया। आपने कहानी सुनी होगी रंगे सियार की, तो पाकिस्तान वही रंगा सियार है। इमरान खान पूरी दुनिया में मौलाना बनकर वो रियासत मदीना बनाने की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में ना कोई डेमोक्रेसी है, ना कोई सिविल राइट्स है, ना कोई माइनॉरिटी राइट्स है, और ना ही वहाँ पर प्रेस फ्रीडम है। पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आर्मी के हाथ में है, और वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो आर्मी की कठपुतली है। और आप जिस तरह से देखते हैं इमरान खान को कश्मीर के ऊपर बातचीत करते हुए, वो सिर्फ नज़र वही आता है कि किस तरह से आर्मी वहाँ पे इस कश्मीर के मुद्दे को बिल्कुल हीटेड अप रखना चाहती है कि ताकि वो जो अपने औकात से ज़्यादा जो बड़ा आर्मी जो उन्होंने खड़ा कर रखा है उसका जस्टिफिकेशन वो पाकिस्तान की जनता के सामने रख सके कि चूंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, वो एग्रेसर है, इसलिए इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। और यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन गर्त में जो है वो चला जा रहा है। आप देखते रहिए ओपन पोस्ट इंटरनेट TV, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।